मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 22 अक्टूबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो नॉलेज पढ़ाते हैं इसमें रिद्धि सिद्धि की बात नहीं, पढ़ाई में कोई छू मंत्र से काम नहीं चलता है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो नॉलेज पढ़ाते हैं इसमें रिद्धि सिद्धि की बात नहीं, पढ़ाई में कोई छू मंत्र से काम नहीं चलता है। बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि देवताओं को अकलमंद कहेंगे, मनुष्यों को नहीं, क्यों? तो उत्तर में बाबा कहते, क्योंकि देवताएं हैं सर्वगुण संपन्न और मनुष्य में कोई भी गुण नहीं है। देवताएं अकलमंद हैं तब तो मनुष्य उनकी पूजा करते हैं, उनकी बैटरी चार्ज है इसलिए उन्हें वर्थ पाउंड कहा जाता है। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो वर्थ पैनी बन जाते हैं, तब कहेंगे बेअक्ल। ओम शांति। बाप ने बच्चों को समझाया है कि यह पाठशाला है, यह पढ़ाई है, इस पढ़ाई से यह पद प्राप्त होता है, इनको स्कूल व यूनिवर्सिटी समझना चाहिए। यहाँ दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं, क्या पढ़ने आते हैं? यह एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है, हम पढ़ाई पढ़ने के लिए आते हैं, पढ़ाने वाले को टीचर कहा जाता है। भगवान उवाच है भी गीता, दूसरी कोई बात नहीं है, गीता पढ़ाने वाले का पुस्तक है, परंतु पुस्तक आदि कोई पढ़ाते नहीं है, गीता कोई हाथ में नहीं है, यह तो भगवान उवाच है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता, भगवान ऊंच ते ऊंच है एक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह है सारी यूनिवर्स। खेल कोई सूक्ष्म वतन व मूल वतन में नहीं चलता है, नाटक यहाँ ही चलता है, 84 का चक्र भी यहाँ है, इनको ही कहा जाता है 84 के चक्र का नाटक। यह बना बनाया खेल है, ये बड़ी समझने की बातें हैं, क्योंकि ऊंच ते ऊंच भगवान उनकी तुमको मत मिलती है। दूसरी तो कोई वस्तु है नहीं, एक को ही कहा जाता है सर्वशक्तिवान, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। अथॉरिटी का भी अर्थ खुद समझाते हैं, यह मनुष्य नहीं समझते क्योंकि वह सब है तमो प्रधान, इसको कहा ही जाता है कलयुग। ऐसे नहीं कि कोई के लिए कलयुग है और कोई के लिए सतयुग है और कोई के लिए त्रेता है, नहीं, जबकि अभी है ही नर्क, तो कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कह सकता कि हमारे लिए स्वर्ग है, क्योंकि हमारे पास धन दौलत बहुत है, ये हो नहीं सकता, यह तो बना बनाया खेल है। सत्युग पास्ट हो गया, इस समय तो हो भी नहीं सकता। ये सब समझने की बातें हैं, पाप बैठ सब बातें समझाते हैं कि सत्युग में इनका राज्य था, भारतवासी उस समय सत्युगी कहलाते थे, अभी ज़रूर कलयुगी कहलाएंगे, सत्युगी थे तो उनको स्वर्ग कहा जाता था। ऐसे नहीं कि नर्क को भी स्वर्ग कहेंगे, मनुष्य की तो अपनी अपनी मत है, धन का सुख है तो अपने को स्वर्ग में समझते हैं, मेरे पास तो बहुत संपत्ति है इसलिए मैं स्वर्ग में हूँ, परंतु विवेक कहता है कि नहीं, यह तो है ही नर्क, भल किसी के पास 10-20 लाख हों परंतु यह है रोगी दुनिया। सत्युग को कहेंगे निरोगी दुनिया, दुनिया यही है, सत्युग में इनको योगी दुनिया कहेंगे और कलयुग को भोगी दुनिया कहा जाता है। वहाँ है योगी, क्योंकि विकार का भोग विलास नहीं होता है, तो यह स्कूल है, इसमें शक्ति की बात नहीं, टीचर शक्ति दिखलाते हैं क्या? एम ऑब्जेक्ट रहता है कि हम फलाना बनेंगे, तुम इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनते हो। ऐसे नहीं कि कोई जादू छू मंत्र व रिद्धि सिद्धि की बात है, यह तो स्कूल है, स्कूल में रिद्धि सिद्धि की बात होती है क्या? पढ़ाई पढ़कर कोई डॉक्टर कोई बैरिस्टर बनता है, यह लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य थे परंतु पवित्र थे इसलिए उनको देवी देवता कहा जाता है, पवित्र जरूर बनना है, यह है ही पतित पुरानी दुनिया।
मनुष्य तो समझते हैं कि पुरानी दुनिया होने में लाखों वर्ष पड़े हैं, कलयुग के बाद ही सत्ययुग आएगा। अभी तुम हो संगम पर, इस संगम का किसी को भी पता नहीं है। सत्ययुग को लाखों वर्ष दे देते हैं, ये बातें बाप आकर समझाते हैं। उनको कहा जाता है सुप्रीम सोल, आत्माओं के बाप को बाबा कहेंगे। दूसरा कोई नाम होता ही नहीं। बाबा का नाम है शिव और शिव के मंदिर में भी जाते हैं। परमात्मा शिव को निराकार ही कहा जाता है, उनका मनुष्य शरीर नहीं है। तुम आत्माएं यहाँ पाठ बजाने आती हो तब तुमको मनुष्य शरीर मिलता है, वह है शिव, तुम हो शालिग्राम। शिव और शालिग्रामों की पूजा भी होती है क्योंकि चैतन्य में होकर गए हैं, कुछ करके गए हैं, तब उनका समाचार गाया जाता है अथवा पूजे जाते हैं। आगे जन्म का तो किसी को भी पता नहीं है। इस जन्म में तो गायन करते हैं कि देवी देवताओं को पूजते हैं। इस जन्म में तो बहुत लीडर्स भी बन गए हैं, जो अच्छे अच्छे साधु संत आदि होकर गए हैं उनकी स्टैंप भी बनाते हैं नामाचार के लिए। और यहाँ फिर सबसे बड़ा नाम किसका गाया जाए, सबसे बड़े से बड़ा कौन है, ऊंच ते ऊंच एक भगवान ही है, वह है निराकार और उनकी महिमा बिल्कुल अलग है और देवताओं की महिमा अलग है, मनुष्यों की अलग है। देवताओं को नहीं कह सकते, मनुष्य को देवता नहीं कह सकते। देवताओं में सर्वगुण थे, लक्ष्मी नारायण होकर गए हैं ना, वे पवित्र थे, विश्व के मालिक थे, उनकी पूजा भी करते हैं क्योंकि पवित्र पूज्य हैं। अपवित्र को पूज्य नहीं कहेंगे, अपवित्र सदैव पवित्र को पूजते हैं। कन्या पवित्र है तो पूजी जाती है, पतित बनती है तो सबको पांव पड़ना पड़ता है। इस समय सब हैं पतित, सत्ययुग में सब पावन थे, वह है ही पवित्र दुनिया। कलयुग है पतित दुनिया, तब ही पतित पावन बाप को बुलाते हैं। जब पवित्र हैं तब नहीं बुलाते। बाप खुद कहते हैं मुझे सुख में कोई भी नहीं याद करते हैं। भारत की ही बात है, बाप आते ही भारत में हैं। भारत ही इस समय पतित बना है, भारत ही पावन था। पावन देवताओं को देखना हो तो ज़रूर जाकर मंदिर में देखो, देवताएं सब हैं पावन। उनमें जो जो मुख्य हेड हैं उन्हों को मंदिरों में दिखाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में सब पावन थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। इस समय सब पतित हैं, सब पुकारते रहते हैं कि हे पतित पावन आओ। सन्यासी कभी श्री कृष्ण को भगवान व ब्रह्म नहीं मानेंगे, वह समझते हैं भगवान तो निराकार है। उनका चित्र भी निराकार तरीके से पूजा जाता है, उनका एक्यूरेट नाम शिव है। तुम आत्मा जब यहाँ आकर शरीर धारण करती हो तो तुम्हारा नाम रखा जाता है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेती है, 84 जन्म तो चाहिए ना, 84 लाख नहीं होते। तो बाप समझाते हैं यही दुनिया सत्ययुग में नहीं थी, राइटियस थी, और यही दुनिया फिर अनराइटियस बन जाती है। वह है सच्चखंड, फिर सब सच बोलने वाले होते हैं। भारत को सच्चखंड कहा जाता है, झूठ खंड ही फिर सच्चखंड बनता है। सच्चा बाप ही आकर सच्चखंड बनाते हैं, उनको सच्चा पातशाह त्रुट कहा जाता है, यह है ही झूठ खंड। मनुष्य जो कहते हैं वह है झूठ, सेंसिबल बुद्धि है देवताएं, उन्हों को मनुष्य पूजते हैं। अकलमंद और बेअकल कहा जाता है, अकलमंद कौन बनाते हैं और फिर बेअकल कौन बनाते हैं, ये भी बाप बताते हैं। अकलमंद सर्वगुण संपन्न बनाने वाला है बाप, वह खुद आकर अपना परिचय देते हैं। जैसे तुम आत्मा हो फिर यहाँ शरीर में प्रवेश कर पाठ बजाते हो, मैं भी एक ही बार इनमें प्रवेश करता हूँ। तुम जानते हो वह है ही एक, उनको ही सर्वशक्तिमान कहा जाता है, दूसरा कोई मनुष्य नहीं जिसको हम सर्वशक्तिमान कहें। लक्ष्मी नारायण को भी नहीं कह सकते क्योंकि उनको भी शक्ति देने वाला कोई है, पतित मनुष्य में शक्ति हो ही ना सके। आत्मा में जो शक्ति रहती है वह फिर आहिस्ते आहिस्ते डिग्रेड होती जाती है, अर्थात आत्मा में जो सतो प्रधान शक्ति थी वह तमो प्रधान शक्ति हो जाती है,
जैसे मोटर का खेल खलास होने से मोटर खड़ी हो जाती है। यह बैटरी घड़ी घड़ी डिस्चार्ज नहीं होती है, इनको पूरा टाइम मिला हुआ है। पहले जो सत्तोप्रधान विश्व के मालिक थे, अभी तमोप्रधान हैं, तो ताकत कम हो गई है, शक्ति नहीं रही है, वर्थ नॉट पैनी बन जाते हैं। भारत में देवी देवता धर्म था तो वर्थ पाउंड थे। रिलीजन इज माइट कहा जाता है। देवता धर्म में ताकत है, विश्व के मालिक हैं। क्या ताकत थी? कोई लड़ने आदि की ताकत नहीं थी। ताकत मिलती है सर्वशक्तिवान बाप से। तो ताकत क्या चीज़ है? बाप बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम्हारी आत्मा सत्वप्रधान थी, अब तमोप्रधान है। विश्व के मालिक बदले विश्व के गुलाम बन गए हो। बाप समझाते हैं, यह पांच विकार रूपी रावण तुम्हारी सारी ताकत छीन लेते हैं, इसलिए भारतवासी कंगाल बन पड़े हैं। ऐसे मत समझो कि साइंस वालों में बहुत ताकत है, वह ताकत नहीं है, यह रूहानी ताकत है जो सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाने से मिलती है। साइंस और साइलेंस की इस समय जैसे लड़ाई है। तुम साइलेंस में जाते हो, उसका तुमको बल मिल रहा है। साइलेंस का बल लेकर तुम साइलेंस दुनिया में चले जाएंगे। बाप को याद कर अपने को शरीर से डिटैच कर देते हो। भक्ति मार्ग में भगवान के पास जाने के लिए तुमने बहुत माथा मारा है, परंतु सर्वव्यापी कहने के कारण रास्ता मिलता ही नहीं। तमो प्रधान बन गए हैं तो ये पढ़ाई है, पढ़ाई को शक्ति नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं, पहले तो पवित्र बनो और फिर सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है उसकी नॉलेज समझो। नॉलेजफुल तो बाप ही है, इसमें शक्ति की बात ही नहीं। बच्चों को ये पता ही नहीं है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम एक्टर्स पार्टधारी हो ना, तो ये बेहद का ड्रामा है। आगे मनुष्यों का नाटक चलता था, उसमें अदला बदली हो सकती है। अभी तो फिर बाइस्कोप बने हैं। बाप को भी बाइस्कोप का मिसाल दे समझाना सहज होता है। वह छोटा बाइस्कोप और ये है बड़ा। नाटक में एक्टर्स आदि को चेंज कर सकते हैं। ये तो अनादि ड्रामा है, एक बार जो शूट हुआ है वो फिर बदल नहीं सकता। ये सारी दुनिया बेहद का बाइस्कोप है। शक्ति की कोई बात ही नहीं। अम्बा को शक्ति कहते हैं, परंतु फिर भी नाम तो है ना, उसको अम्बा क्यों कहते हैं? क्या करके गई है? अभी तुम समझते हो कि ऊंच से ऊंच अम्बा और लक्ष्मी, अम्बा ही फिर लक्ष्मी बनती है, ये भी तुम बच्चे ही समझते हो। तुम नॉलेजफुल भी बनते हो और तुमको पवित्रता भी सिखलाते हैं। वह पवित्रता आधा कल्प चलती है। बाप ही आकर पवित्रता का रास्ता बताते हैं। उनको बुलाते ही इस समय के लिए हैं कि आकर रास्ता बताओ और फिर गाइड भी बनो। वह है परम आत्मा। सुप्रीम की पढ़ाई से आत्मा सुप्रीम बनती है। सुप्रीम पवित्र को कहा जाता है। अभी तो पतित तो हो, बाप तो एवर पावन है, फर्क है ना। वह एवर पावन ही जब आकर सबको वर्षा दे और सिखलाएं, इसमें खुद आकर बतलाते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे रथ तो ज़रूर चाहिए, नहीं तो आत्मा बोले कैसे। रथ भी मशहूर है, गाते हैं भाग्यशाली रथ, तो भाग्यशाली रथ है मनुष्य का, घोड़े गाड़ी की बात नहीं है। मनुष्य का ही रथ चाहिए जो मनुष्यों को बैठ समझाए। उन्होंने फिर घोड़े गाड़ी बैठ दिखा दी है। भाग्यशाली रथ मनुष्य को कहा जाता है। यहाँ तो कोई कोई जानवर की भी बहुत अच्छी सेवा होती है जो मनुष्य की भी नहीं होती। कुत्ते को देखो कितना प्यार करते हैं, घोड़े को, गाय को भी प्यार करते हैं। कुत्तों की एग्जीबिशन लगती है, ये सब वहाँ होते ही नहीं। लक्ष्मी नारायण कुत्ते पालते होंगे क्या? तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि इस समय के मनुष्य सब तमोप्रधान बुद्धि है, उन्हें सत्वप्रधान बनाना है। वहाँ तो घोड़े आदि ऐसे होते ही नहीं जो मनुष्य को उनकी सेवा करें। तो बाप समझाते हैं, तुम्हारी हालत देखो क्या हो गई है। रावण ने ये हालत कर दी है, ये तुम्हारा दुश्मन है, परंतु तुमको पता नहीं है कि इस दुश्मन का जन्म कब होता है। शिव के जन्म का भी पता नहीं है तो रावण के जन्म का भी पता नहीं है। बाप बतलाते हैं, त्रेता के अंत और द्वापर के आदि में रावण आते हैं। उनको 10 शीश क्यों दिए हैं?
हर वर्ष क्यों जलाते हैं ये कोई भी जानते नहीं है। अभी तो मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो, जो पढ़ते नहीं वो देवता बन ना सके। वह फिर आएंगे तब जब रावण राज्य शुरू होगा। अभी तुम जानते हो कि हम देवता धर्म के थे, अब फिर सैपलिंग लग रहा है। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद तुमको आकर ऐसा पढ़ाता हूँ। इस समय सारी सृष्टि का झाड़ पुराना है, जब नया था तो एक ही देवता धर्म था, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। बाप तुम्हें 84 जन्मों का हिसाब बताते हैं क्योंकि बाप नॉलेजफुल है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। अरे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है साइलेंस का बल जमा करना है। साइलेंस बल से साइलेंस दुनिया में जाना है। बाप की याद से ताकत लेकर गुलामी से छूटना है, मालिक बनना है। और सेकंड पॉइंट है सुप्रीम की पढ़ाई पढ़कर आत्मा को सुप्रीम बनाना है। पवित्रता के ही रास्ते पर चल पवित्र बनकर दूसरों को बनाना है, गाइड बनना है। बाबा ने आज वरदान दिया अल्फ को जानने और पवित्रता के स्वधर्म को अपनाने वाले विशेष आत्मा भव। अल्फ को जानने और पवित्रता के स्वधर्म को अपनाने वाले विशेष आत्मा भव। बाप दादा को खुशी होती है कि मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है, चाहे बुजुर्ग है, अनपढ़ है, छोटा बच्चा है, युवा है या प्रवृत्ति वाला है, लेकिन विश्व के आगे विशेष है। दुनिया में चाहे कोई कितने भी बड़े नेता हो, अभिनेता हो, वैज्ञानिक हो, लेकिन अल्फ को नहीं जाना तो क्या जाना। आप निश्चय बुद्धि हो, फलक से कहते हो कि तुम ढूंढते रहो, हमने तो पा लिया। प्रवृत्ति में रहते पवित्रता के स्वधर्म को अपना लिया तो पवित्र आत्मा विशेष आत्मा बन गए। स्लोगन, जो सदा खुशहाल रहते हैं वही स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। जो सदा खुशहाल रहते हैं वही स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। ओम शांति।